दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय अपने दिल के ही हाथों मजबूर होती हुई नज़र आ रही हैं आखिरकार इस समय पलकी, क्योंकि दोस्तों पलकी अपने प्यार का इजहार करती हुई नज़र आ रही हैं किसी और से नहीं बल्कि इस समय राजवीर से, क्योंकि दोस्तों राजवीर को इस समय हर तरीका से बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जब आप लोग देख पाएंगे कि राजवीर बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि पलकी हो सके तो ये शादी मत करो, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता, बल्कि इस समय राजवीर ने साफ साफ बोल दिया है कि पलकी तुम में मेरी जान बसती है, अब तुम्हारे हाथ में है मेरी सांसें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में एक से बढ़कर एक एक नई नई ट्विस्ट भी देखने को मिलते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलती हुई नज़र आने वाली है आखिरकार इधर प्रीता, क्योंकि प्रीता का आमना सामना होने जा रहा है जल्दी ही आखिरकार राखी से। जी हाँ, करण और ऋषभ लूथरा की माँ यानी इनसे सामना होता हुआ नज़र आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत गंदी तरीका से नज़र आ रही है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि प्रीता आखिर जिंदा भी है, और अचानक जैसे ही प्रीता सभी लोगों के सामने आएगी टोटल ही पूरी की पूरी कन्फ्यूजन एक साथ और भी क्रिएट होती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों साथ ही आप लोग जानते हैं इस समय कि बात की जाए आखिरकार ऋषभ की, तो ऋषभ बोलता हुआ नज़र आएगा कि उस समय भी प्रीता गलत नहीं थी जब हम लोगों ने प्रीता को इस घर से बेदखल यानी निकाला था, और आज भी हम प्रीता को अगर माफ़ी मांग के ले जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग चाहें और प्रीता से माफ़ी मांगें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, लव।